इंदौर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में हंगामा नारेबाजी में ही निकल गया एक घंटे का समय। सभापति ने स्थगित किया प्रश्नकाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन का एक घंटे का प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके तुरंत बाद सभापति ने आए हुए प्रस्तावों को एक एक कर पढ़ा और हाथों हाथ परिषद ने महज 3 मिनट में सभी प्रस्ताव पास कर दिए। इससे गुस्साए कांग्रेस पार्षदों ने सभापति के आंसदी के सामने हंगामा किए और धरने पर बैठ गए। एक घंटे का प्रश्नकाल पूरा होने ही जब जवाब पूरे नहीं हुए तो भी सभापति ने स्थगन की घोषणा कर दी। हंगामे के बीच जैसे ही कांग्रेसियों ने धरना शुरू किया तो सभापति ने राष्ट्रगान शुरू करवा दिया। इस कारण सभी को उठकर सावधान होना पड़ा। वहीं धरना खत्म हो गया और सम्मेलन के समापन की घोषणा कर दी गई। महज 1 घंटे 15 मिनट में विशेष सम्मेलन समाप्त हो गया। कांग्रेसियों ने सभापति के आंसदी को घेरा। सभापति मुन्ना लाल यादव ने कांग्रेस पार्षदों के हंगामे के चलते प्रश्नकाल को समय से पूर्व स्थगित कर दिया। कांग्रेसियों ने जैसे ही धरना शुरू किया वैसे ही हंगामे के बीच ही सभापति ने अचानक राष्ट्रगान शुरू करवा दिया। इसके चलते कांग्रेस पार्षदों को खड़े होना पड़ा। निगम का विशेष सम्मेलन 1 घंटे में ही खत्म हो गया। कांग्रेस पार्षद सभापति के आंसदी तक पहुँच गए और उसे घेर कर नारेबाजी करने लगे। पार्षद फौजियों के सवाल पर महापौर ने किया धारा 27 का उल्लेख। पार्षद फौजिया शेख अलीम ने सवाल किया कि अप्रैल के बाद निगम परिषद की बैठक क्यों नहीं हुई। महापौर जी ने निगम के खुद के हॉल में अगली बैठक होने की बात कही थी, लेकिन अभी भी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जनता के टैक्स के लाखों रुपए खर्च कर बैठक की जा रही है, ये सब कब रुकेगा। इस पर महापौर ने जवाब देते हुए नगर निगम के संविधान की धारा 27 का उल्लेख करते हुए अपनी बात रखी। नेता प्रतिपक्ष ने उठाया शहर में गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने सवाल किया कि शहर के 85 वार्ड में पीने के पानी की समस्या और नर्मदा लाइन से गंदे पानी की सप्लाई का आरोप लगाया। इस समस्या से मुक्ति कब मिलेगी। पार्षद और जल आपूर्ति प्रभारी बबलू शर्मा ने चिंटू चौकसी के सवाल का जवाब दिया। इसमें निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा तत्काल समस्या और शिकायत का निराकरण करने की बात कही गई। भाजपा के एक पार्षद ने चिंटू चौकसी को बोलने से रोकने के लिए राहुल गांधी को पप्पू और कांग्रेसियों को पप्पू की फौज कहा। इस बात पर भी जमकर विवाद हुआ। दोनों तरफ से अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। इस पर सभापति ने दोनों दलों के पार्षदों को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। चौकसी ने सम्मेलन को अवैध बताया। प्रश्नकाल के दौरान जमकर विवाद हुआ। भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी को प्रश्न पढ़ने से रोका। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सम्मेलन की बैठक अवैध है, जो कि गलत परंपरा है। कानून क्षेत्र से आने वाले महापौर बताएं कि आखिर सदस्यों को क्यों 7 दिन पहले सूचना नहीं दी गई। ऐसी क्या आफत आ गई कि अचानक परिषद बैठक बुलाई। MIC भी अवैध थी, जिसका अधिकारियों ने बहिष्कार किया। जवाब देते हुए महापौर भार्गव ने कहा कि प्रश्नकाल चल रहा है, आप प्रश्न पूछिए। विवाद के बीच सभापति मुन्ना लाल यादव ने टोकते हुए कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष को चेतावनी देता हूं कि वे अपना प्रश्न सीधे शुरू करें, बेवजह की बातें नहीं है। पार्षदों ने मोदी मोदी और राहुल गांधी कांग्रेस के नारे लगाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहे द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।